चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर। नाम है इसका इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। दिस इज योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28। डेप्रिसिएशन का नाम तो सुना होगा, कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन कंसेप्ट अलग है। जरा देखते हैं। मैंने आपको एक नहीं 50 बार बोला होगा, आ तो गया था दिमाग में यही बोलेंगे कि हम लोग जब बैलेंस शीट में किसी एसेट को लिखते हैं तो वो तभी लिखते हैं, कोई एसेट तभी लिखते हैं जब उसकी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होती है। यही तो बोला है, सुन लेना। अगर मेरी कोई एसेट है, मान लो उसकी कॉस्ट थी 5 लाख और आज तक उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं 2 लैक्स। नाउ द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इज ₹3 लाख। व्हाट डज इट मीन्स बेसिकली इसका मतलब क्या निकला? इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है कि ये एसेट हमको फ्यूचर में कम से कम 3 लाख रुपए का बेनिफिट तो देगी। अरे है ना, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का क्या मतलब हुआ कि ये एसेट हमको फ्यूचर में कम से कम 3 लाख रुपए का बेनिफिट देगी। अगर आज हम ये कैलकुलेट कर ले कि इस एसेट पर फ्यूचर में मिलने वाला बेनिफिट इन टोटालिटी इज ₹2,80,000, इसका क्या मतलब निकला? अरे बोलो ना, इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि इस एसेट से फ्यूचर में मिलने वाला बेनिफिट 280 के बराबर होगा। देन वाई टू शो द एसेट एट ₹3 लाख? मैंने कहा कोई भी एसेट, बैलेंस शीट इज अ ड्राइंग रूम, डेकोरेटिव प्लेस। आप केवल अच्छी अच्छी चीजें रखते हैं, जिन चीजों से हमें फ्यूचर बेनिफिट नहीं मिलता उसको एसेट साइड मानते हैं, उसको उतना राइट ऑफ कर देते हैं, हटा देते हैं। वी आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड वी गॉट आर WDV ₹3 लाख, बट नाउ इफ वी कंपेयर इट विद द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, वी आर जस्ट गोइंग टू गेट ₹2,80,000 इन फ्यूचर। जो फ्यूचर में कैश जनरेट होगा हमारी फर्म में, दैट इज एन इक्वल टू ₹2,80,000। व्हाट डज इट मींस? कि हम एक्चुअल में एसेट को ज्यादा वैल्यू पर दिखा रहे हैं, इवन दो वी हैव ऑलरेडी चार्ज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन प्रॉपरली। उसके बाद एसेट उस लायक नहीं है कि अपनी वैल्यू से ज्यादा का प्रॉफिट दे सके या अपनी वैल्यू के बराबर का प्रॉफिट दे सके। फ्यूचर में मिलने वाला प्रॉफिट 3 लाख से कम है, कितने तक है? तो हम क्या कर रहे हैं, इस एसेट को कहां पर ले आए? 280 पर ले। क्या बोला? 280 पर ले। ये जो 20,000 माइनस करेंगे ना, दिस इज योर इंपेयरमेंट ऑफ एसेट। इतना आसानी से हो गया ऐसा है नहीं, बट दिस इज योर इंपेयरमेंट। अगर मैं 2 मिनट के लिए आपको फिर बोल दूं कि इसकी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज इतना आया जो फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, या इसको अगर आज हम रिकवरेबल अमाउंट यानी इसको अगर हम सेल कर दें, कर नहीं रहे एक्चुअल में, अगर हम इसको सेल कर दें तो हमें 2,90,000 मिलेगा। उड़ी बाबा, और तब कितने पर शो करें इसको? 280 या 290, 280 और 290।
2.90, क्योंकि हमको बेनिफिट आज के रेट में ये इतना दे सकता है, हाँ या ना। अभी आएंगे इन्हीं चीजों को पढ़ेंगे, बात समझ में आ रही है। और ये कैश कैसे कैश फ्लोस निकालेंगे, किन कैश फ्लोस की बात कर रहे हैं हम, हाउ टू एस्टिमेट दोज कैश फ्लोस, किस किस कैश फ्लोस पर आप भरोसा करके आगे चलेंगे, कितने सालों पर भरोसा करके चलेंगे, बात समझ में आ रही है। ये कैलकुलेट करने का तरीका, हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज योर दिस वन। दिस स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब द प्रोसीजर टू बी अप्लाइड, ये केवल प्रोसीजर बता रहा है जो अप्लाई किया जाना है, इस चीज से इंश्योर करने के लिए अपने आप को कि एसेट किसी भी एंटरप्राइज की जो उसकी कैरिंग अमाउंट है यानी WDV है, नॉट एक्सीडिंग देयर रिकवरेबल अमाउंट रिकवर्ड थ्रू यूज और सेल ऑफ द एसेट। फिर से बोलो, ये स्टैंडर्ड इंश्योर करता है कि एसेट ऑफ एन एंटरप्राइज आर कैरिड, किसी भी एसेट्स को हमें वैल्यू पर रखना है, किस वैल्यू पर रखना है, नॉट एक्सीडिंग देयर रिकवरेबल अमाउंट, उसकी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा नहीं रखना है, किसी भी एसेट्स को उसकी बैलेंस शीट में उसकी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा। तो रिकवरेबल अमाउंट मीन्स वॉट, आने दो थोड़ी देर, पेशेंस रखते हैं। द स्टैंडर्ड ऑल्सो लेज डाउन प्रिंसिपल फॉर रिवर्सल ऑफ इंपेयर्ड, बात की बात है, कैसे रिवर्सल होगा देखा जाएगा। चले आगे, किसी भी एसेट को इंपेयर्ड कहा जाएगा, जो मैंने अभी बताया, व्हेन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट, जब बैलेंस शीट में जो एसेट दिख रही है वो ज्यादा है, एक्सीड्स इट्स रिकवरेबल अमाउंट। बार बार देखो क्या वर्ड आ रहा है ना। तो जो दो वर्ड मैंने यूज किए थे ये दोनों कहे जाते हैं आपके, यस अब समझ में आई बात। तो कहने का मतलब ये, अभी आएंगे उस पर, कि कोई भी एसेट जो बैलेंस शीट में आप कैरी कर रहे हैं, एवन दो आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन इफ यू आर ऑब्जर्विंग दैट द वैल्यू विच वी कैरिड इज इन एक्सेस ऑफ द रिकवरेबल अमाउंट, द एक्सेस ऑफ दैट इज नोन एज इंपेयरमेंट। कैरिंग अमाउंट से जो रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा की फिगर है कैरिंग अमाउंट तक, दैट इज नोन एज रिकवरेबल इंपेयरमेंट, ठीक है ना। द रिक्वायरमेंट यूज द टर्म एन एसेट बट अप्लाई इक्वली टू एन इंडिविजुअल एसेट और अ कैश जनरेटिंग यूनिट्स। देखो एक नई चीज आ गई, कैश जनरेटिंग यूनिट्स। अभी कैश जनरेटिंग यूनिट्स क्या, देखो नई नई चीजें परतें खुलती जाएंगी, बाद में सब चीजें एक साथ जुड़ जाएंगी। ये कह रहा है कि एन एसेट का मतलब क्या है, इक्वली टू एन इंडिविजुअल एसेट और कैश जनरेटिंग यूनिट। हम लोग ये एन एसेट का मतलब क्या लेकर के चलेंगे, हम एक पूरी यूनिट को भी लेकर के चलेंगे और एक इंडिविजुअल एसेट को भी लेकर चलेंगे। अगर इंडिविजुअल एसेट इस लायक है, एन एसेट मतलब एक एसेट का मतलब सिंगल एसेट नहीं होता, एक ग्रुप भी हो सकता है, बात समझ में आई। तो कहता है कि अगर एन एसेट का मतलब इक्वली का मतलब क्या है, उसी तरह से यूज करोगे जैसे कि इंडिविजुअल एसेट या फिर कैश जनरेटिंग यूनिट, कोई भी ऐसी यूनिट जो कैश, और ये कैश जनरेटिंग यूनिट्स क्या होती है उसकी भी डेफिनेशन देखेंगे, स्मॉल वैल्यू स्मॉल आइडेंटिटी देखेंगे क्या है मतलब उसका, ठीक है ना। तो हमारे पास नए नए वर्ड्स क्या आ गए, रिकवरेबल वैल्यू, कैश जनरेटिंग यूनिट्स, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स, हाँ है ना, ये चीजें हमारे पास नहीं है। और रिकवरेबल वैल्यू में जब हम देखें तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज दिखाई दिया, दूसरा नेट सेलिंग प्राइस का वर्ड दिखाई दिया। रिकवरेबल में दो चीजें देखी थी, अगर इसको सेल कर दें तो, और दूसरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, हाँ है ना। अभी हम इस दोबारा आएंगे, चिंता ना करना, जो हमें पहले बताना है पहले ये दो तीन चीजें हम क्लियर कर दें, डेफिनेशंस क्या है, ठीक। इंपेयरमेंट लॉस का मतलब होता है जो मैंने अभी बताया, कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट एक्सीड्स इट्स रिकवरेबल अमाउंट, यानी हमारी बैलेंस शीट में जो एसेट दी हुई है उसकी कैरिंग अमाउंट 3 लाख है और रिकवरेबल फिगर या रिकवरेबल अमाउंट 280 है, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इन एक्सेस ऑफ द रिकवरेबल वैल्यू, दिस इज द डिफरेंस ऑफ बोथ ऑफ दीज टू इज इंपेयरमेंट लॉस। क्या बोलेंगे इसको, इंपेयरमेंट लॉस।
अगर रिकवरेबल वैल्यू 3,30,000 है तो कितने पर शो करेंगे? अच्छा 3,00,000। हाँ, इससे कोई लेना देना नहीं पड़े। इसका मतलब जितने पर एसेट दिखा रहे हैं दैट इज ओके आफ्टर चार्जिंग ऑफ द डेप्रिसिएशन। अब बात समझ में आई? तो जब ये कम होगा तो ही इसका मतलब है, तो इसीलिए कैरिंग अमाउंट बोला गया है। जब कैरिंग अमाउंट एक्सेस कर जाता है इसकी रिकवरेबल वैल्यू से तो डिफरेंस होगा हमारा इंपेयरमेंट लॉस। पहला क्लियर हुआ? रिकवरेबल अमाउंट का मतलब क्या होता है? हायर। क्या बोला मैंने? मेरी तरह नहीं बोल पाओगे ना। हायर दो चीजों का, नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज। ये जो मैंने निकाला था यहां शुरू में आते ही, मैंने कहा था ना अगर इसको हम बेच दें तो इसको हम कहते हैं नेट सेलिंग प्राइस और इसको हम लोग नाम देते हैं वैल्यू इन यूज। नई नई चीजें आ रही है ना, अभी जुड़ता चला जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिकवरेबल वैल्यू का मतलब होता है इन दोनों में से जो अधिक हो, तो मैंने कहा 290 आया तो 290 पर रख लेना, यही तो बोला था। बाकी जो 10,000 हुआ वो हमारा इंपेयरमेंट लॉस हो गया। कहने का मतलब ये दो चीजें क्या है, नेट सेलिंग प्राइस का क्या मतलब है और वैल्यू इन यूज का क्या मतलब है, फिर से मेरे सामने एक क्वेश्चन आ गया। अभी चार्ट बनाएंगे थोड़ी देर में, क्लियर होता जाएगा फ्लो चार्ट जब बनेगा। तो फिर कह रहा है कि नेट सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है, ये है नेट सेलिंग प्राइस का मतलब। नेट सेलिंग प्राइस का मतलब है अमाउंट ऑप्टेनेबल, ऑप्टेनेबल, ऑप्टेंड नहीं लिखा है, ऑप्टेनेबल, जितना मिल सकता मिला, बेच नहीं रहे, जितना मिलने लायक है, फ्रॉम द सेल ऑफ एन एसेट एट इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन, सीधे सीधे ट्रांजेक्शन करने पर बिटवीन नॉलेजेबल पार्टीज, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो, लेस द कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। इसका मतलब एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, दिस इज रिकवरेबल नेट सेलिंग प्राइस। क्या बोलेंगे इसको? याद रहेगा। अब ये कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल क्या होता है, फिर से एक नया वर्ड जुड़ गया, इसको भी तो समझना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल्स आर इंक्रीमेंटल कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट, एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्पोजल ऑफ एन एसेट एक्सक्लूडिंग फाइनेंस कॉस्ट एंड इनकम टैक्स, इंटरेस्ट और इनकम टैक्स को छोड़कर। मान लो अगर हम इस एसेट को मार्केट में बेचे तो दलाल खड़े हो जाएंगे ना, हम आपका एसेट बेच देंगे, 5% कमीशन लेंगे, 3% कमीशन लेंगे। दीज आर द इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इफ विल ट्राई टू डिस्पोज ऑफ आर एसेट नोन एज डिस्पोजल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। लेकिन इसमें इंटरेस्ट और इंटरेस्ट शामिल, इनकम टैक्स और इंटरेस्ट शामिल नहीं है। अब क्लियर है? पूछो इनकम टैक्स शामिल क्यों नहीं है, पूछो इंटरेस्ट शामिल क्यों नहीं है। दिख जाओ क्या बोले, समय पर मिलेगा ही नहीं। आएगा प्री टैक्स प्रॉफिट, क्या प्री टैक्स प्रॉफिट, कैश फ्लोस की जब बात करेंगे प्री टैक्स की बात करेंगे, हर जगह इस पूरे एएस में जहां जहां बात करेंगे प्री टैक्स। तो जब प्री टैक्स कोई बेस ले रहे हैं तो वो बिफोर टैक्स है कि नहीं, तो इसीलिए यहां से टैक्स हटा दिया। इंटरेस्ट क्यों हटाया है कि नहीं? इंटरेस्ट जो होता है जरा देखो तो ये हमने वर्ड यूज किया था ना प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या यूज करते हैं? अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूं, मैं एक्चुअली इंटरेस्ट रेट नहीं लिखना चाह रहा, रिस्क रेट लिखना चाह रहा था, ठीक है ना, लेकिन इंटरेस्ट रेट लिख दिया।
देखेंगे क्या होता है। तो इसीलिए इंटरेस्ट और टैक्स को हर जगह से हटाया गया, जो भी आप वैल्यू कंसिडर करेंगे प्री टैक्स प्री इंटरेस्ट उसी पर ही हम सारे वर्कआउट करेंगे, जितने भी काम करेंगे उसी पर ही करेंगे। क्या बात है, इसको अभी भी वही पढ़ना है। चलें, अब मैं शुरू से एक बार फिर बताऊं, मैंने कहा कि इंपेयरमेंट ऑफ एसेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 है और ये बोलता है कि हम किसी भी एसेट्स की वैल्यू बैलेंस शीट में लिखते हैं। और मैंने इसके पहले 50 बार आप लोग को बताया होगा कि बैलेंस शीट हमारा डेकोरेटेड आइटम होता है, उसमें केवल डेकोरेटेड आइटम्स ही रखे जा सकते हैं, उतनी ही वैल्यू के रखे जा सकते हैं जिससे उनकी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाली होती है, उस वैल्यू पर शो करते हैं। तो अगर किसी एसेट्स की फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उतनी ना हो जितनी उसकी वैल्यू बैलेंस शीट में दिख रही है, तो डिफरेंस को हम लोग इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स का नाम देते हैं। हमें उससे मिलने वाली फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अगर 280,000 है, बट वी आर शोइंग आर एसेट एट ₹3 lakh, इट मींस द एसेट्स कैरिंग अमाउंट इज इन एक्सेस ऑफ द रिकवरेबल अमाउंट एंड द डिफरेंस इज नोन एज इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स या इंपेयरमेंट लॉस। एसेट्स इंपेयर्ड हो चुकी है, उतना कमा कर नहीं देगी जितना दिख रहा है, हाँ या ना? तो फालतू की चीजें बैलेंस शीट में मत रखो, वहां से उठाकर डस्टबिन में ले जाओ। डस्टबिन का मतलब पीएल अकाउंट। बात समझ में? तो हम लोग रिकवरेबल अमाउंट का मतलब क्या समझे? इसका मतलब जो हम लोग लेस करते हैं, हम लोग कंपेरिजन करते हैं कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल फिगर। रिकवरेबल अमाउंट का क्या मतलब है? दो में से जो अधिक हो, नेट सेलिंग प्राइस एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो, या जिसको हम लोग कहते हैं वैल्यू इन यूज। क्या हम नाम बोलेंगे? जो भी ये फिगर निकलेगी इसको हम नाम देते हैं वैल्यू इन यूज, या नेट सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज, जो दोनों में से हायर होगा ना उसी को मानेंगे हम लोग रिकवरेबल अमाउंट। जब हम लोग आगे बढ़े तो डेफिनेशन में पहला आया हमारे सामने इंपेयरमेंट लॉस, रिकवरेबल अमाउंट उसी से ही पता चला। और जब रिकवरेबल अमाउंट की बात करने लगे तो पता चला दो चीजों में जो सबसे अधिक होता है। नेट सेलिंग प्राइस का क्या मतलब बताया? जितने में हम उसको बेच सकते हैं आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन पर विलिंग बायर और विलिंग सेलर बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे, एक्चुअल में बेच नहीं रहे, माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल का मतलब क्या बताया गया? कि जो हमारी एक्सेस कॉस्ट लगेगी अगर हम उस एसेट को मार्केट में बेचने के लिए जाए तो, जिसमें इंटरेस्ट और टैक्स शामिल नहीं है। अब तो क्लियर है? वापस आते हैं वैल्यू इन यूज, और इसके लिए हमको पूरा अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन हाँ बता तो दे हल्का फुल्का कि वैल्यू इन यूज होता क्या है। वैल्यू इन यूज इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टीमेटेड फ्यूचर कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड टू अराइज, मींस अब हम जो वैल्यू इन यूज निकालने जा रहे हैं फ्यूचर में इस एसेट से कितना मिलने की उम्मीद है। हमने क्या क्या? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, तो फ्यूचर में कितना मिलने की उम्मीद है, कितना उस एसेट से हम कैश फ्लोज जनरेट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज एस्टिमेटेड फ्यूचर फ्लोज कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड टू अराइज फ्रॉम द कंटिन्यूइंग यूज ऑफ एन एसेट एंड फ्रॉम इट्स डिस्पोजेबल एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। मान लो उस एसेट की लाइफ 5 साल और है आज से पीछे क्या हुआ? आज से, क्योंकि आज हम मैच कराने जा रहे हैं ना कैरिंग अमाउंट को, तो आज से आने वाले 5 साल 7 साल 8 साल, मान लेते हैं 5 साल, 5 साल अभी वो फिगर आएगी दोबारा आएगी, 5 साल तक इस एसेट का कैश फ्लोज इतना जनरेट होगा। पहले साल इतना ले लेंगे मार्केट से, दूसरे साल इस एसेट को यूज करके इतना ले लेंगे, 5 साल तक इतना ले लेंगे और 5 साल बाद उस एसेट को बेच देंगे, तो वही तो आएगा बेचने पर। तो सबको जोड़ लो, उनको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करो। क्या करो? देखेंगे। एस्टिमेटिंग द वैल्यू इन यूज ऑफ एन एसेट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे आपको जब वैल्यू इन यूज निकालेंगे। पहला, एस्टिमेट द फ्यूचर कैश फ्लोज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। तो मैंने सीधे लिख दिया था इनफ्लो, मैंने क्या बोला? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो शुरू में ही बोल दिया, आउटफ्लो भी तो हो सकता है नहीं, आउटफ्लो भी तो हो सकता है नहीं, नहीं, नेट में हमेशा इनफ्लो होगा तभी तो उसकी वैल्यू आएगी। जब
आउटफ्लो आउटफ्लो होगा, एसेट यूज कर रहे हो सब पैसा बर्बाद ही होगा, तो एसेट को दिखा क्यों रहे हो रे, हटा वहां से, जब कुछ आना नहीं है तो किसी एसेट्स को दिखा रहे हो बैलेंस शीट में, उससे फ्यूचर में आने वाला है पैसा, तभी तो नेट तो आने वाली ही फिगर होगी, जाने वाली नहीं होगी, नेट आना जाना मिला करके आना ही होगा, ठीक है। आएगा 5 लाख, जाएगा 1 लाख, आएगा 10 लाख, जाएगा 50 हजार, तो नेट हमारे पास आएगा ही आएगा, तभी उस एसेट को बैलेंस शीट में दिखाएंगे, नहीं तो भैया आज ही पूरा इंपेयरमेंट में ले जाओ अगर सारा जाना ही जाना है तो, इसलिए मैंने वहां कैश इनफ्लो लिखा था, ठीक है। तो कहता है एस्टिमेटिंग द फ्यूचर कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड टू अराइज फ्रॉम द कंटिन्यूइंग यूज ऑफ द सेम एसेट एंड फ्रॉम इट्स डिस्पोजल एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ नाउ नाउ। अब इसके स्टेप्स क्या है, पहला कंटिन्यू यूज ऑफ एसेट एंड फ्रॉम इट्स अल्टीमेटली डिस्पोजल एंड अप्लाइंग द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट टू दीज फ्यूचर कैश फ्लोज। मैंने कहा था ना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, मैं इसको इंटरेस्ट का नाम दूंगा, हाँ मैंने कहा इंटरेस्ट नहीं रिस्क का नाम दूंगा, हाँ इसको नाम देंगे एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। अब ये एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट क्या होता है वो भी बात करेंगे आराम से, लोचा ही लोचा है ना, लेकिन मजेदार है, तभी तो पैसा मिलेगा तुम लोग क्लाइंट से, नहीं तो कहां से मिलेगा जब तुम उसको बताओ कि बैलेंस शीट में ये लोचा अच्छा है, ये भी होता है, हाँ चले। कैरिंग अमाउंट नॉर्मल है, दिस इज द अमाउंट एट विच एन एसेट इज रिकॉग्नाइज इन द बैलेंस शीट आफ्टर द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस देयर ऑन। जरा ढंग से देखो, आज तक जो तुम लोग की आदत थी उससे थोड़ा हट करके बात कर रहे हैं। ये बैलेंस शीट है, क्या है, और ये एसेट साइड है, यहां पर लिखते थे प्लांट एंड ओपनिंग बैलेंस 5 लाख माइनस डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2 लाख। आज से एक नई चीज, माइनस करने की आदत डालोगे, मान लेते हैं ये आया तो अब एसेट को कितने पर शो करोगे, समझ में आई बात, एक नई चीज आई ना, मैंने कहा ना डेप्रिसिएशन की तरह ही है, ऐसे ही शो होगा, और यहां पर यही लिखा हुआ कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या, नाउ द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इज दिस वन। कहता है कैरिंग अमाउंट एट विच एन एसेट इज रिकॉग्नाइज इन द बैलेंस शीट आफ्टर द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। अब एक्यूमुलेटेड का क्या मतलब है बाद में बात करेंगे, फिलहाल समझ में आया, चलिए आगे। डेप्रिसिएशन, दिस इज द सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, जो आज तक तुम लोग जानते थे। डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट, this is the cost of an asset or other amount substituted for cost in the financial statement less its residual value. hamari assets ki cost hai 10 lakh rupaye aur hum isko salvage value maan lete hain ya scrap value 1 lakh rupaye, kai baar padha hoga to ye jo bacha 9 lakh this is your depreciable amount। अरे बोलो, ये वो टोटल वैल्यू है जिस पर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। चले, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, यूजफुल लाइफ ये अभी पढ़ेंगे, ये भी चीज अभी बची हुई है। यूजफुल लाइफ का मतलब क्या है, एक एसेट जो आज मेरे पास है, ये माउस मान लेते हैं तुम्हारे लिए एसेट है, ये माउस आज से मेरे पास ये 1 साल और 2 साल और चलेगा, तो इसका मतलब आज से इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है 2 साल। तो कहने अभी गिर जाए तो बात दूसरी है, लेकिन हम अभी मानकर चलते हैं 2 साल और चलेगा। यूजफुल लाइफ इज इधर इधर इन दोनों में से कोई एक, द पीरियड ऑफ टाइम ओवर विच एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज बाई एन एंटरप्राइज, जितनी मैं सोच रहा हूँ उस एसेट को कितने साल यूज कर लूंगा,
और द नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर और सिमिलर यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेंड फ्रॉम एन एसेट बाय द एंटरप्राइज, या कितने यूनिट्स आप इस एसेट से जनरेट कर सकते हैं और इसकी पूरी लाइफ में। अब वो पूरे यूनिट्स एक साल में निकाल लो या चार साल में निकाल लो, ठीक। अब थोड़े आगे थोड़े पीछे चलते रहेंगे चीजों को कोरिलेट करते हुए, ठीक है, फिर हम अपने एक लॉजिक पर पहुंचेंगे। जितना अभी तक समझाया समझ में आया, पहली चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, पांच साल आएगा, आ गया। कैश फ्लो प्रोजेक्शन किसी एसेट्स का जब हम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट निकालते हैं तो दो चीजें आती हैं कि एसेट्स को कितनी सेल्स प्राइस हो सकती है माइनस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, या दूसरा फ्यूचर कैश फ्लोस, और उसमें अप्लाई कर देते हैं डिस्काउंट रेट्स का। क्या अभी सीखेंगे इस टॉपिक के बाद, वही सीखने जा रहे हैं, चिंता ना करना। क्या बोला मैंने कि समझ गया, तो हमको बोलने देना कि एसेट से फ्यूचर में कितना कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं और उसका डिस्काउंट रेट। मैंने उसको शुरू में इंटरेस्ट रेट बोला, फिर मैंने कहा ना रिस्क रेट है, फिर मैंने कहा ना डिस्काउंट रेट है, यही तो बोला। तो हम उस डिस्काउंट रेट को अब लेकर के चलेंगे दो मिनट बाद। कहता है कैश फ्लो प्रोजेक्शन जो फ्यूचर में मिलने वाला है बेस्ड ऑन द मोस्ट रिसेंट अप्रूव्ड बजट और फोरकास्ट फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 5 years। कितने सालों के लिए? 5 years। जिसको हम एक्स्ट्रापोलेशन का नाम देंगे, आने दो, एक्स्ट्रापोलेशन वर्ड पहले तुम लोग को बता दें, चलें। कैश फ्लो प्रोजेक्शन अंटिल द एंड ऑफ एन एसेट यूजफुल लाइफ आर, कैश फ्लो प्रोजेक्शन अंटिल द एंड ऑफ एन एसेट्स यूजफुल लाइफ आर, कैश फ्लो प्रोजेक्शन फ्यूचर के लिए जो हम काम करने जा रहे हैं उसकी यूजफुल लाइफ तक के लिए, आज से लेकर 5 साल, एस्टिमेटेड बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग द कैश फ्लो, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 2 साल, 1 साल, जो भी हो, लेकिन 1 साल से अधिक, ठीक, एस्टिमेटेड बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग द कैश फ्लोज प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल बजट ऑफ फोरकास्ट यूजिंग द ग्रोथ रेट ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर्स। कुछ नहीं समझ में आ रहा, चलो एक्स्ट्रापोलेटिंग समझ लेते हैं। अभी सब चिंता न करना, मर्ज होता चला जाएगा, फिर बड़ी आसानी से समझ में आएगा। पहले वो वर्ड्स टेक्निकल तो दिमाग में आ जाए कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं, बोलने क्या जा रहे हैं और किससे क्या रिलेशन है। अभी तक मैंने बोला फ्यूचर कैश फ्लो, अब उसमें जोड़ दिया मैंने एक्स्ट्रापोलेशन। मैंने कहा फ्यूचर कैश फ्लो उसको डिस्काउंट रेट से यूज करना है, अप्लाई करना है, सबका यूज करना सीखना है ना। दो मिनट और कंफ्यूजन देंगे, उसके बाद नहीं, चिंता ना करो। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब क्या है? एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ द कैश फ्लो इज अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग, इट्स अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर कैश फ्लो बाय यूजिंग पास्ट कैश फ्लो डेटा। यानी जब हम पास्ट डेटा को यूज करते हुए फ्यूचर के लिए कुछ बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ कैश फ्लो। पिछले सालों में इतना प्रॉफिट हो रहा था तो आने वाले सालों में इतना प्रॉफिट होगा, पिछले सालों में इतना कैश फ्लो जनरेट हो रहा था तो आने वाले सालों में इतना प्रॉफिट कैश फ्लो जनरेट होगा, दिस इज एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ द कैश फ्लो। अब क्लियर हुआ? कितना सिंपल है, लेकिन नाम थोड़ा टिपिकल था। पास्ट कैश फ्लो डेटा एंड एज्यूमिंग दैट द ट्रेंड विल कंटिन्यू, एंड एज्यूमिंग दिस इज द कॉमन मेथड यूज बाय द बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स टू मेक फाइनेंशियल डिसीजन सच एज बजटिंग, फोरकास्टिंग एंड फाइनेंशियल। ये हमने अपनी ओर से यहाँ पर ऐड किया है, दिस इज नॉट गिवन इन योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्लियर है? एक्स्ट्रापोलेटिंग कैश फ्लो होता क्या है वो तो समझ में आना चाहिए। तो पास्ट डेटा पर जब आप फ्यूचर के लिए प्रोजेक्शन करते हैं कैश फ्लोज का, इसको हम कहेंगे एक्स्ट्रापोलेटिंग कैश फ्लोज। To extrapolating cash flow, you would typically start the collecting historical, any past cash flow data for the business or asset in question. This data should cover over a period of at least 3 to 5 years in order to get a good understanding of the trend.
तो पिछले 3 से 5 सालों के बेस को हम बेस लेकर के आगे का प्रोजेक्शन करते हैं। 5 साल से ज्यादा का ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट होता है 5 साल का, क्योंकि ये रिसेंट ट्रेंड होता है। 3 साल तो और ज्यादा रिसेंट ट्रेंड हो गया, 5 साल ठीक है, 5 साल से ज्यादा ठीक नहीं लग रहा, कुछ ज्यादा ही हौच पौच हो जाएगा, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ चुके हैं लाइफ में 5 साल में, है कि नहीं? जब सोचो 5 साल में कंपनी कैश फ्लो का प्रोजेक्शन नहीं कर रही और तुम लोग अपनी लाइफ का 5 साल सीए में दे दे रहे हो, और अगर उसके बाद नहीं भी निकलता है तो गड़बड़ नहीं लगता है? तो सोचो ये है लाइफ, कितना ट्रेंड चेंज हो रहा है, वहां पर एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो कंपनी के बारे में, अपनी लाइफ को कैसे एस्टिमेट कर ओके? तो जितना जल्दी हो निकल लो, मतलब एग्जाम पास करके निकल लो। वंस यू हैव, ठीक है, अब ठीक है, अब तो समझ में आया एक्सट्रापोलेशन का मतलब क्या है। अब वापस आते हैं, दोबारा कहानी शुरू कर दें। चलो हम एक चीज और बता दें, पहले जो बार बार तुम लोगों को डिस्टर्ब कर रही होगी, प्रेजेंट वैल्यूज, कैश फ्लोज, है कि नहीं? पहले हम 10-15-20 मिनट उस पर दे देते हैं, उस टॉपिक पर। और ये तुम लोगों ने अगर FM पढ़ा है तो पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे। एक चैप्टर पढ़ते हो तुम लोग कैपिटल बजटिंग या टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये FM में पढ़ते हो, और बहुत इत्मीनान से वहां पर यही पढ़ाया जाता है पूरा का पूरा, खासकर कैपिटल बजटिंग में तो पूरे के पूरे चैप्टर ही वही है, ठीक है ना? देखेंगे, लेकिन देख लेना, देखेंगे उधर, आज हम लोग क्या देखेंगे, यहां पर कैसे कैलकुलेट होता है। क्योंकि ये चैप्टर जब यहाँ पर सॉल्व किया जा रहा है तो दे आर एज्यूमिंग दैट यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दीज थिंग्स, दे आर एज्यूमिंग, इन्होंने एज्यूम कर रखा है कि आप ये चीजें जानते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं बात करूंगा, ये है ना, देखो यहाँ पर यही कैलकुलेशन किए गए हैं जो अब हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो टेंशन ना लेना, हम लोग अपने टारगेट पर ही जा रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ा तुम लोग को कुछ नहीं मालूम इसके बारे में, हम ये मानकर चल रहे हैं और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास एक मशीन है, खरीदने जा रहा हूं मैं, ढंग से सुनना, क्वेश्चन क्या है, मैं मशीन खरीदने जा रहा हूं जिसकी कीमत 1 लाख है, लाइफ 5 साल है, स्क्रैप वैल्यू 0 मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, स्क्रैप वैल्यू 0 मान लेते हैं। ये कब खरीदने जा रहे हो? टुडे यू आर जस्ट गोइंग टू टेक डिसीजन वेदर द एसेट शुड बाय और नॉट, आप ये डिसीजन लेने जा रहे हो, ये एसेट खरीदूं या ना खरीदूं। हम इस चैप्टर से हट करके बात कर रहे हैं 5 मिनट 10 मिनट, ठीक है ना? आप ये आज डिसीजन लेने जा रहे हो कि हम इस एसेट को खरीदें या ना खरीदें। तो अब खरीदेंगे अगर आज, तो मेरी जेब से कितना रुपया जाएगा? 1 लाख, कोई डाउट है क्या? और ये है 2023 मान लेते हैं, तो कैश आउटफ्लो आज गया है ना 0 टाइम पर, टाइम क्या है? 0, अभी मुझे डिसीजन कब लेना है? अभी, राइट नाउ, टाइम इज 0, और अभी के अभी मेरी जेब से कितने जाने वाले हैं? और अभी के अभी 1 लाख का मतलब 1 लाख रुपए ही जाएगा, यानी 0 टाइम पर 1 रुपए की कीमत हमेशा 1 रुपए ही होगी, 0 टाइम पर 1 रुपए की कीमत हमेशा 1 रुपए होगी। इसका मतलब मेरी जेब से 1 लाख रुपए कैश जाने वाला है, मेरी जेब से 1 लाख रुपए, इसको हम लोग कहते हैं, जब इसको प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कहलाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस, आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू। चलें 2 मिनट इधर देखना,
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। अब इस एसेट को खरीदने के बाद क्या करेंगे, यूज करेंगे, प्रॉफिट होगा, होगा ना, कितने सालों तक, टाइम क्या है, एक साल बाद, टाइम क्या है, दो साल बाद, टाइम क्या है, टाइम क्या है, बात समझ गई, पांच साल तक हम इससे कमाएंगे। पैसा जा रहा है तो हमने वो लिखा, तो पैसा आ रहा है हम वो लिखेंगे, आपका आना आपका जाना है कि नहीं, तो आपका जाना और आपका आना दोनों लिखेंगे, बात करते हैं। कैश का जा रहा है तो कैश आएगा। अब बात करते कैश इनफ्लोस, क्या बात करने जा रहे हैं, हमें लगता है कि पहले साल में हमको ये एसेट 30,000 दे देगी, कैश आ जाएगा। कैलकुलेशन कैसे किया अभी हम वो नहीं देख रहे, पहले साल के अंत में हमारे पास कैश कितना आ जाएगा, दूसरे साल में, तीसरे साल में, इस साल में और लास्ट ईयर में ये कैश आएगा। टोटल कैश गया कितना था और टोटल कैश आ कितना रहा है, 9, 11, 21, फायदा है कि नहीं, पक्की बात है ना, फायदा ही है। धत जरा ढंग से सुनो, ऐसे थोड़ी ना निकलता है, अब वही बताने जा रहे हैं। जो वैल्यू आज एक रुपए की, जीरो टाइम पर एक रुपए की वैल्यू एक रुपए है, एक साल बाद क्या एक रुपए की वैल्यू एक रुपए के बराबर होगी, कम होगी या ज्यादा, यानी 1 रुपए 20 पैसे हो जाएगी, क्या बोल रहे हो, एसेट की वैल्यू कम होगी या बढ़ेगी, रुपए की वैल्यू कम हुई या बढ़ी, ये 1 रुपए 20 पैसे कम हुई या बढ़ी, कम हुई है। जो चीज हम पहले 1 रुपए में खरीद सकते थे अब 1 रुपए 20 पैसे में खरीदेंगे तो वैल्यू कम हुई, सामान उतना ही आएगा। परचेसिंग पावर ऑफ द कैश हैज बीन रिड्यूस्ड, इसको हम कहते हैं इरोजन इन द वैल्यू ऑफ मनी, इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। देखो ना कितने टेक्निकल नाम है, क्या कहते हैं, इरोजन इन द वैल्यू ऑफ मनी, मनी की वैल्यू में गिरावट होना। तो दिख रहा है बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा बेटी, बेसिकली ये अपनी औकात कम कर रहा है है कि नहीं, तो इसकी पहले औकात जो 1 रुपए की थी अब वो 1 रुपए 20 पैसे के बराबर हो गया, इसकी वैल्यू कम हो गई, समय बीतने के साथ साथ अब कम चीज खरीद करके देगा ये। यानी अगर आज हमको कोई 1 रुपए दे दे तो क्या हम उतना ही खरीदेंगे सामान जो एक साल पहले खरीद सकते थे, नहीं, हमको उसको 20 पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। मेरे पास एक दोस्त आया, उसने हमसे कहा कि हमको पैसा दो उधार, उसने हमसे 1 लाख रुपए लिए, उसने कहा हम लौटा देंगे तुम्हें, तुम्हारा पैसा हम नहीं मारेंगे, कसम से हम दोस्तों का पैसा नहीं मारते। 1 साल बाद उसने बकायदा हमको पैसा दे दिया, क्या उसने मेरा पैसा मारा, हाँ इंटरेस्ट का पैसा मार लिया, जो हम 1 साल इंटरेस्ट कमा सकते थे या उसकी वैल्यू जो कम हो गई। 1 साल पहले हम उससे 1 लाख टॉफी खरीद सकते थे, अब केवल 80,000 टॉफियां खरीद पाएंगे, यानी 20,000 टॉफियां उसने मेरी मार ली, जो हम मीठा मीठा खा सकते वो नहीं खा पाए। अब समझ में आई बात, मेरे मुंह से क्या छीन कर गया, मीठा तो ये कहते हैं हम लोग इरोजन इन द वैल्यू ऑफ मनी। कुछ कुछ बुझाई दे रहा है कि बुझ जा रहा है, देखो हम लोग अपने टॉपिक से भटक चुके हैं, लेकिन वहां पर चहुपने के लिए हमको ये सब करना। चले अब हम क्या मान लिए कि 20% से इस वैल्यू की अमाउंट कम हो रही है, इन्फ्लेशन रेट 20% है, मान लेते हैं महंगाई दर, इरोजन इन द वैल्यू ऑफ मनी 20% कम हो रहा है, यही मान लें, तो बताओ 2 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 रुपए 44 पैसे, 20% और गिर गई है ना, 3 साल बाद और कितना गिरोगे, 1.73, फोर्थ ईयर में और कितना गिर जाओगे, 2.08, 7,
फिफ्थ ईयर में कितना गिरोगे? 2.5 लिख दे रहे हैं, ठीक है। 20% से वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, मतलब गिर रही है। बढ़ने का मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स में तो बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअली रुपए की वैल्यू कंपेरेटिवली कम हो रही है। जो काम पहले 1 रुपए करता था वो आज 2.5 रुपए कर रहा है, हाँ या ना? या ये समझ लो, अब ढंग से सुनना, ये लिखे हैं टाइम। क्या लिखे हैं? पैसा हम आज लगा रहे हैं मशीन में, वॉशिंग मशीन में नहीं, हम पैसा आज लगा रहे हैं उस मशीन के इन्वेस्टमेंट में, तो डिसीजन कब लेने जा रहे हैं? आज। और ये पैसा कब मिलने जा रहा है? 1 साल बाद। तो क्यों ना हम जिस तरह इसको आज की डेट में लगाए हैं, क्यों ना इस 1 रुपए 20 पैसे को भी हम कन्वर्ट कर दें आज की रेट में, इस 1 रुपए 44 पैसे को भी कन्वर्ट कर दें आज की रेट में, इस 1 रुपीज 73 पैसे को भी कन्वर्ट कर दें, इसको भी आज की डेट में कन्वर्ट कर दें, और इसको भी आज की डेट में कन्वर्ट कर दें। ये आज की डेट में जाना और ये आज की डेट में आना, आज के आज गया और आज के आज आया, तब तो कंपैरिजन कर पाओगे, है ना? चलो चलो चलो, एक काम करते हैं, सबको हम ईयर 1 में कन्वर्ट कर दें। तो सुनो, ऐसा भी तो तुम लोग सोच सकते हो ना, घटिया कि सुनो कि इस 1 रुपए को भी 1 साल बाद में कन्वर्ट कर दें, जो जा रहा है अभी, और बाकी जो आ रहे हैं उन सबको भी 1 साल में, पहले साल में कन्वर्ट कर दें। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? डिसीजन ले सकते हो नहीं ले सकते? 1 साल बाद ले लेना। डिसीजन कब लेना है? आज। और आज की वैल्यू कितनी है? 1 रुपए की वैल्यू 1। टाइम कौन सा चल रहा है? 0। तो डिसीजन आज ले रहे हो तो सबको आज की डेट में कन्वर्ट करके अपने वैल्यू को दिखाओ ना। ले सकते हो, सबको 1 पर कन्वर्ट कर दो, सबको दूसरे साल में कन्वर्ट कर दो, सबको तीसरे साल में कन्वर्ट कर दो, यू विल फाइंड द सेम रिजल्ट, बट इट इज इलॉजिकल बिकॉज राइट नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू टेक डिसीजन। तो कन्वर्ट इट ऑल द फ्यूचर वैल्यूज इन टूडेज टर्म। अब बात समझ में आई? कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, विल फाइंड द सेम रिजल्ट, वैल्यूज चेंज हो जाएंगे लेकिन रिजल्ट वही आएगा सबका। मत करो, या तो सब में करो या तो सब में मत करो, एक ही रिजल्ट आएगा। चले, तो अब सबको किस में कन्वर्ट करें? टुडेज वैल्यू, इसको आज प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? चलो ऐसे तो छोड़ देते हैं, छोड़ दो। सुन लो, 30,000 कब मिल रहा है हमको? 1 साल बाद। और 1 साल बाद 1 रुपए की वैल्यू कितनी है, और आज की डेट में कितनी है इस 1 रुपए की वैल्यू? तो 1 रुपए 20 पैसे को 1 रुपए में कन्वर्ट करो, यानी 30,000 डिवाइडेड बाई 1 रुपए 20 पैसा इंटू 1। सुन लो, बात समझ में आई? तो तुम लोगों ने क्या किया, 30,000 डिवाइडेड बाई, ऐसे ही तो किया, कितना आ गया? 25,000। तो हमने यहां लिख दिया 1 साल बाद 25,000 नहीं मिल रहा, हाँ ये बोलो कि आज की डेट में 25,000 मिल रहा है। चलो, 2 साल बाद हमको कितना मिला था? 40। इसको कन्वर्ट कर सकते हो कितना से, ऐसे करके कितना आ गया? 11। 3 साल बाद जो 20,000 आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 1.73 इनटू 20,000 कर सकते हो? हाँ, कितना था फोर्थ ईयर में? 20,000। चार हजार ना,
इन सबको टोटल कर लो। अब तुम लोग खुद सोचो, थोड़ी देर पहले जो तुम लोग का डिसीजन था कि 1 लाख के बदले हम 1,20,000 कमा रहे हैं, फायदा दे रही है, तुम लोग सीए बनने जा रहे हो, कोई ऐसे ही थोड़ी फीस दे देता है कि नहीं? तुम लोग के पास ये नॉलेज है तभी फीस लेते हो। तुम बोलोगे घाटा दे रहे हैं, वो कहेगा सर जी 1,20,000 रुपए मिल रहा है, आप भी ऐसी उल्टी सीधी बात करते हो, 20% का फायदा है। अरे नहीं भाई, 23,000 ये 22,049 रुपए माइनस में है आपका। अभी के अभी 1,00,000 रुपए लगा रहे हो और अभी के अभी तुमको 22,000 का घाटा हो रहा है तुरंत के तुरंत। अगर तुमको ये फायदा दिख रहा है तो एक काम करो, 1,00,000 दे दो और हमसे 90,000 ले लो। नहीं नहीं समझ में आई मेरे को? तो हमको भी फायदा, तुमको भी फायदा। तुम्हारे हिसाब से तुमको 10,000 का फायदा, मेरे हिसाब से हमको भी 10,000 का फायदा। अट्टा बट्टा। समझ में आ रही है मेरी बात? अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये कैसे कैलकुलेशंस होते हैं। हमने देखो सबको ऐसे कन्वर्ट किया है ना, प्रेजेंट वैल्यू में ऐसे करो, देखो 1/1.20, ये पहले साल का वैल्यू आया, इधर देखो, इधर लिखो 0.833, लिख दिया, दो फिगर तक लिखो 0.833, कुछ मत करो इसमें, एक बटन दबाओ, कौन सा दूसरे साल की वैल्यू आ जाएगी इक्वल, कुछ नहीं करना है। देखो कितना आया, हमें नहीं मालूम, 0.7069 कुछ आ रहा है ना, ठीक है ना। इसको देखो कितना आया था, 1/1.44 देखो कितना आया था, 0.69 आ रहा है, आ तो गया। तीसरे साल का देखो, केवल इक्वल दबा दो, कुछ मत करो, 0.58 कर लिया, मल्टीप्लाई करो इससे, देखो हाँ मल्टीप्लाई करो, देखो मैच कर रहा है कि नहीं सब। अरे 100, 200, 300 का फर्क आएगा फ्रैक्शंस के कारण, आ रहा है सब आ रहा है, 100, 200 का फर्क सब में आएगा फ्रैक्शंस के कारण, इतने डिजिट है ना, हम लोग दो ही डिजिट ले रहे हैं, 0.48, 0.40। इसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना। सुन लो, इसका मतलब हुआ जो पैसे का दाम आज की डेट में 1 रुपए का दाम 1 रुपए है, 1 साल बाद उस 1 रुपए का दाम मेरे लिए 83 पैसे, यानी आज हमको कोई 83 पैसा दे दे और 1 साल बाद 1 रुपए दे दे, दोनों बराबर है, समझ गए? आज हमको कोई 83 पैसा दे दे और 1 साल बाद 1 रुपया दे दे, मेरे लिए दोनों बराबर है। आज की रेट में कोई हमें 70 पैसा दे दे और 2 साल बाद 1 रुपया दे दे, मेरे लिए दोनों बराबर है। आज की रेट में हमको कोई 58 पैसा दे दे और 3 साल बाद 1 रुपया दे दे, दोनों मेरे लिए बराबर है। आज की रेट में हमको कोई 48 पैसा दे दे और 4 साल बाद 1 रुपया दे दे, दोनों बराबर है। आज की रेट में कोई हमको 40 पैसा दे दे और 5 साल बाद 1 रुपया दे दे, दोनों मेरे लिए बराबर है। तो हम सबको किस में कन्वर्ट किए? आज की डेट में। तो जो मेरे लिए 1 रुपए की कीमत 5 साल बाद थी, उसको आज की डेट की कीमत के बराबर मल्टीप्लाई कर दिए। अरे नहीं, अरे बोलो, समझ में आ रही है कहानी? इसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ये जो आया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, इसको हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV। ये सीखोगे तुम लोग पूरा का पूरा, नोट कर लो इसको, तो उसके बाद फिर कुछ इसमें बता ही दें जब इतना कर लियो तो।
अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू, रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस यानी वैल्यू इन यूज, या नेट सेलिंग प्राइस, जो दोनों में से अधिक, अरे बोलो ना। तो हम ये वैल्यू इन यूज निकाल रहे हैं। तो वैल्यू इन यूज क्या है? ठेंगा। क्या है? बाबा जी का ढुल्लू। वैल्यू इन यूज क्या है? कुछ नहीं, फालतू में तुम एसेट रखे हुए हो। पहली चीज तो इस एसेट को खरीदना मत। 1 लाख रुपए लगाओगे उल्टा 77,000 आएगा। मान लो कैरिंग अमाउंट एसेट की 1 लाख रुपए, मान लो एसेट्स की कैरिंग अमाउंट, अगर हम इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 की बात करें तो एसेट्स की कैरिंग वैल्यू कितनी है, जबकि फ्यूचर में उससे मिलने वाला पैसा कितना है? बाबा जी का टुल्लू, कुछ नहीं, दिखा काय रहे हो, उल्टा प्लस में नहीं आएगा, माइनस में नहीं आएगा। समझ में आई बात? ये एसेट हमको फायदा नहीं उल्टा घाटा दे रही है, पैसा लाएगी नहीं बल्कि पैसा ले जाएगी। अब समझ में आई बात? सुन लो सुन लो, ये 20% हमने माना क्यों? पहली चीज, मैं 20% मानूंगा तो क्या तुम 15% मानोगी? तुम 10% मानोगे? हो सकता है, डिपेंड्स, सबकी सोच अलग अलग है। कोई सोचता है 1 रुपए लगा करके हम 20% कमाएं, कोई कहता है 1 रुपए लगा कर हम 10% कमा लें तो ठीक, कोई कहता है 1 रुपए लगा करके 3 रुपए कमा लें तो ठीक। तो ये 20% वाले के लिए घाटे का सौदा है। किसके लिए? जो ये सोचकर चल रहा है हमारी फर्म का, हमारी कंपनी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिस्क, फ्यूचर कैश फ्लो जो जनरेट होना चाहिए, नॉर्मल टेंडेंसी, वो 20% की है, तो वो ये कैलकुलेशन करेगा। लेकिन यही एसेट अगर किसी दूसरे बंदे के पास है, किसके पास है? किसी दूसरे बंदे के पास है, और वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 8% लेकर के चल रहा है, कितना? इसने कितना लिया था? उसको लगता है अगर 8% भी मिलेगा देन दैट इज ओके। बोलो, तो 8% कैसे कैलकुलेट करोगे? जरा कैलकुलेटर उठा लो। 1 डिवाइडेड बाय 1.08 पहले साल का आ गया, इधर देखना 0.93, बोलो 0.8586, 0.80, 0.73, 0.68, बोलो मल्टीप्लाई करो तो टोटल करो। कैलकुलेशन देख लेना, 1 लाख। उड़ी बाबा, मेरा एस्टिमेशन देखो कितना अच्छा निकला, नहीं 700 फायदा दे रहा है ये। इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू जो है ये कंपनी जितना सोच रही, अच्छा छोड़ दो, हो गया पक्का पॉजिटिव है ना नेट प्रेजेंट वैल्यू, फायदा दे रही है ना, ये फायदा दे रही है ना मशीन, लेकिन उसको फायदा दे रही है जिसकी सोच 8% कमाने की है। लेकिन उस बंदे को यही मशीन घाटा दे रही है उसी अमाउंट पर जिसकी सोच ज्यादा कमाने की है। चलें आगे, मान लेते हैं 1 लाख ही आया, कितना आया, कितना आया टोटल? 1 लाख आया, इधर एनपीवी कितना हो गया? क्या करें, घाटा हुआ या फायदा हुआ पता ही नहीं चल रहा है, घाटा हुआ कि फायदा हुआ? अरे बोलो, घाटा हुआ या फायदा हुआ, घाटा हुआ या फायदा हुआ? जी ये फायदा हुआ,
उल्टा सोच है तुम लोगों का। तुम मान कर चल रहे थे 8% कमाएंगे, तो ये 8% दे तो रहा है तुमको, एग्जैक्ट वही दे रहा है जो तुम सोच करके चल रहे हो। न उससे एक रुपए कम, न उससे एक रुपए ज्यादा। ये जो इसके पहले आया था 1,700,000 आया था ना, तो इसका मतलब जितना हम सोच रहे हैं उससे 700 रुपए ज्यादा मिल रहा है। घटिया सोच नहीं समझ में आएगा। जितना हम सोच रहे थे उससे भी 700 रुपए ज्यादा दे रहा है। वी वी आर थिंकिंग अबाउट टू अर्न एज एट द रेट ऑफ 8% ऑन द सेम टाइप ऑफ एसेट एंड वी वी आर जस्ट अर्निंग मोर देन 8%। हम 8% से ज्यादा कमा रहे हैं भाई, कैसे कह सकते हो घाटा है। और जीरो कहने का मतलब, ऐसे कई लोग बोलते हैं, हम तो शॉक्ड हो जाते हैं जब सुनते हैं लेक्चर्स में, इफ वी आर जस्ट अर्निंग जीरो इट मींस वी आर इनडिफरेंट, वी आर इनडिफरेंट। या कुछ लोग कहते हैं कि नहीं खरीदो। अरे भैया ये तो तुमको फायदा दे रहा है जितनी तुम्हारी सोच है, लेकिन अगर ये 500 चलो 2 मिनट के लिए माइनस में भी आ जाए तो मेरी सोच के हिसाब से 500 माइनस है, लेकिन हो सकता है जो 7% का अर्निंग सोच रहा हो उसके लिए फायदा हो। अब समझ में रहे हो बात, कितनी छोटी छोटी चीजें। तो बेसिकली ये आज की डेट में जितना हम सोच रहे हैं उससे 700 ज्यादा, 8% तो दे ही रहा है, उसके ऊपर भी 700 दे रहा है, तो ये फेवरेबल है भाई, 100% फेवरेबल है। 1 रुपए भी ज्यादा देता तो हमारी सोच से ज्यादा दे रहा था। अरे भाई सही है ना। ये चैप्टर तुम लोग कंप्लीट पढ़ोगे कैपिटल बजटिंग में, सोचो तुम लोगों ने कितना बढ़िया तरीके से कर लिया, उस समय बड़ी आराम से समझ में आएगा अगर नहीं पढ़े हो तो। चले सेम यही चीज यहां पर भी हम लोग को जो प्रेजेंट वैल्यूज निकालनी है ना, सेम यही टेक्निक यूज करके निकालनी। और जब हम बार बार इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन रेट या डिस्काउंट रेट की बात कर रहे थे ना, वो इसी के बारे में बोल रहे थे कि किस रेट को अप्लाई किया जाए। अब तुम लोग खुद सोच करके बताओ, हमें दो चीजें चाहिए वैल्यू इन यूज निकालने के लिए। ओह, वैल्यू इन यूज निकालने के लिए पहला फ्यूचर का प्रोजेक्शन कैश फ्लो का, और दूसरा उसका अप्लाइंग रेट ऑफ रिटर्न। अगर ये दो चीजें मिल जाएं तो हम वैल्यू इन यूज निकाल लेंगे। तो सुनो सुनो, वैल्यू इन यूज का मतलब यहां पर ये नहीं होगा जो तुम लोग पढ़ रहे थे, ये तो तुम लोग कैपिटल बजटिंग के हिसाब से पढ़ रहे थे। वैल्यू इन यूज का मतलब यहां पर इस वैल्यू से है, वैल्यू इन यूज का मतलब इस वैल्यू से है। अब समझ में आया, जितना इससे मिलेगा फिलहाल देखेंगे, वो भी चिंता ना करो, ठीक है। क्योंकि यहां पर हम एसेट खरीद नहीं रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 कहता है जो एसेट आपके पास ऑलरेडी है हम उसके बारे में वैल्यू इन यूज निकाल रहे हैं। समझ में आई बात, पक्का ये चीजें करके आओगे, हमें मालूम है इंटरेस्टिंग है। अब तुम लोग को इसमें मजा आएगा, क्योंकि अगर चीजें समझ में आएंगी तो मजा आएगा। नोट कर लो इसको, आने दो अभी हम उसके, ये तो हमने कैपिटल बेस्टिंग का हिस्सा पढ़ा है, वहां हमें बी माइनस ए नहीं करना है, वहां हमें कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल वैल्यू देखना है। और रिकवरेबल वैल्यू का मतलब वैल्यू इन यूज एंड नेट सेलिंग प्राइस, बस इतना याद रखना है। वहां एसेट हमें खरीदने के बारे में डिसीजन नहीं लेना है, वहां उस एसेट की वैल्यूज को निकालने की बात हो रही है। ऑलरेडी मेरे पास एसेट है तो ये ऊपर वाला फैक्टर तो मेरे पास रहेगा ही नहीं। कौन वाला फैक्टर? ये कैश आउटफ्लो वाला, ये रहेगा ही नहीं मेरे पास। वो तो ऑलरेडी बैलेंसिंग फिगर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दिया एसेट का, तो हमको वहां पर किस चीज से मतलब रहेगा? केवल ये वाला वैल्यू यूज होगा, ठीक है ना। तो ये तुम लोग करके आओगे तभी हम इसके आगे बढ़ेंगे भी, पक्का। थैंक यू बच्चों।